जम्मू कश्मीर में 28,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती और एडवाइजरी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल से मुलाकात की। कहा, राज्य में अचानक तनाव पैदा हो गया है, 35A को लेकर लोगों के मन में संदेह है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की आशंका को लेकर एडवाइजरी जारी होने के बाद अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों का घाटी से लौटना शुरू। श्रीनगर एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़। NMC बिल के खिलाफ लगातार चौथे दिन देशभर के डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज परेशान, अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़। उन्नाव रेप एक्सीडेंट मामले में ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को 3 दिन की CBI रिमांड। CBI जल्द आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर से भी पूछताछ कर सकती है। देश के 15 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी। मुंबई के कई इलाकों में 4 फुट तक पानी भरा, हाई टाइड का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 नक्सलियों की मौत। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजस्थान से बनाया जा सकता है राज्यसभा का उम्मीदवार। और अमेरिका के फ्लोरिडा में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज।